It's about Donald Trump versus Kamala Harris. और 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है जी। अब तक बहुत सारी वोटिंग हो चुकी है, अगला सदर कौन होगा, 4 दिन बाद ये फैसला होना है। कांटेदार मुकाबला है, पोल्स बिल्कुल नेक टू नेक कह रहे हैं, जैसे बंपर टू बंपर कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन है। देते हैं बिल्कुल क्विकली में मौजूद है, जरा उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है इस इलेक्शन के बारे में। जी इस वक्त हम अमेरिका में मौजूद हैं, यहाँ पर आपके यहाँ तो डेफिनेटली दिन हो रहा है, हमारे यहाँ रात हो रही है अमेरिका में, और इलेक्शन में चंद रोज बाकी हैं। यूएस इलेक्शन इस बार खासा इंटरेस्टिंग है, पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं कि यूएस इलेक्शन में डे टू डे जो है इश्यूज उनके ऊपर जो है कंपेन हो रही है। मजमूई तौर पर 240 मिलियन अमेरिकन 5 नवंबर को अपना खाके राय इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंपेन खासी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कंपेन में खासा रंग लगाया है, वो देख रहे हैं कि एलन मस्क उनके हमरा है, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अमेरिकन का जो आवाम है उसके लिए वर्ड यूज किया कि जो गार्बेज है, तो अगले दिन जैनिटर का कपड़े पहनकर ट्रंप जो है किस तरह से एक ट्रक जो है जिसमें कूड़ा करकट उठाया जाता है उसको चला रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं। दूसरी जानब इसी तरह हम देख रहे हैं कमला हैरिस जो है वो जो ट्रंप के वीक पॉइंट है उसके ऊपर यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, और जो बड़े इश्यूज थे जब इलेक्शन शुरू हुआ था, जब मुबहसे जो है उनका आगाज हुआ था, जो बड़े इश्यूज थे वो थे जनाब जो दुनिया में वॉर है, बात हो रही थी अमेरिकन इकॉनमी की बात हो रही थी। यहाँ पर अगर हम बात कर लें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लास्ट टाइम जब यहाँ पर बाइडन जीते थे तो स्विंग स्टेट्स से उनको वोट मिला था जिसकी वजह से वो कामयाब हुए थे। अब ट्रंप की पूरी कोशिश है कि जो यहाँ पर स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ जाएँ, वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जानिब माइल करें, अगर वहाँ से उनको वोट मिल गया तो वो बआसानी जीत जाएंगे। इस टाइम वैसे मैं आपको बताऊं जो मैं जहां पर मौजूद हूं ये जगह है जनाब रियासत न्यू जर्सी, और ये बिल्कुल एडजेसेंट है रियासत न्यूयॉर्क के साथ। मेरे अकब में आप ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये फ्रीडम टावर जो है इसको भी देख रहे होंगे, ये वो टावर्स हैं ट्विन टावर, 9/11 के बाद दुनिया का नक्शा बदल दिया, इमिग्रेशन लॉज जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई, दुनिया की इकॉनमी ने बड़ा सफर किया, खसूसन पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया उसके बाद 9/11 के बाद। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मसाइल हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कैंडिडेट बात भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी खूबसूरत आदिल, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। आपने क्विकली हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन हम आपसे जानते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि ताजा तरीन वहां पे क्या हो रहा है। सो दिस इज द ब्रांड न्यू एपिसोड इसकी हमारी तरफ से, लेकिन ये चलेगा आगे चूंकि अब ये 5 तारीख तक, वैसे 4 दिन इसमें बाकी है, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। मुकाबला बढ़ सकता है, कैमला पहली वक्त का मैं मुकाबला पहली खातून सदर बन सकती है, ये इंटरेस्टिंग है। और ट्रंप दोबारा सदर बन सकते हैं, अब देखना यह है कि 5 तारीख को जो अमेरिकन है वो किस में फैसला देते हैं।